आई मीन डिजिटल भारत जो अपना बना है और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। जो कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है, आप लोग सभी मेरे ख्याल से जानते हैं कि क्या चल रहा है। अभी मुझे आप लोगों से जो बात करनी है वो ये है कि मुझे ऐसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है और अभी भी मैं तो यही कहूँगी कि हाँ यस, पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ में है। पर कुछ लोग जो हैं पता नहीं वो कौन है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस वक्त सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ऑडियो वायरल करा वो मैंने खुद ने करा है। आई एक्सेप्ट दैट कि यस, मैंने खुद ने करा है। मैं सुबह से अपने रूम में कैद हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया वो बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। और मेरी गलती ये है कि मैंने उस दिन जो है अपनी ड्यूटी करने की जो हिम्मत करी उसकी सज़ा आई थिंक सो मुझे मिल रही है। और उसकी वजह से मैं अपने रूम में कैद हूँ सुबह से। सो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैं क्या बोल रहे हैं कि तब गोलियां दवाइयां लेनी भी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि उनमें जो मुझे मेरी बिना जानकारी के मुझे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, दवाइयां मैं ले रही हूँ। पर मेरी फैमिली वाले लोग जो मेरे लिए इतना टेंस हो रहे हैं वो मुझे मेरी बिना इजाज़त के मुझे नींद की गोलियां खिला रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से जब ये घटना घटी उसके 4 दिन तक मैं सो नहीं पाई थी। तो जो चक्कर आ रहे हैं, मुझे जो लाइट फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने जो मेडिसिन दी उसमें परिवार वालों की चिंता ने जो है मुझे नींद की गोलियां दी, जिससे मैं शायद उनकी चिंता भी ठीक है, मतलब सही है कि भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए उसके लिए उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दी। पर मेरे परिवार वाले कहीं ना कहीं मुझे लेके बहुत टेंशन में हैं। सुबह से मैं अपने रूम में कैद हूँ। मेरी गलती जो है, पता नहीं क्या गलती करी है मैंने कि सज़ा मुझे मिल रही है, मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कल जो है मैं बाहर गई थी अपने कुछ काम से, तो मेरे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं। मेरी फैमिली को सेफ़ फील कराने के लिए कल मैं सब्ज़ी मार्केट गई थी सब्ज़ी लेके आने के लिए, ताकि मुझे मेरे साथ तो सिक्योरिटी थी पर मेरे फैमिली वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। सो मैं अपनी फैमिली को सोच के सब्ज़ी मार्केट में गई थी। मेरे घर में खाने के लिए अब मानेंगे नहीं, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और पिछले 10-15 दिन से ऐसा ही चल रहा है, तो मुझे ना चाहते हुए मैं नज़दीक की मार्केट में जाना पड़ा। सो वहाँ से मेरे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे फैमिली वालों ने मुझे मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया है। बाहर जाना बंद करने के पीछे एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फिक्र है मेरे लिए वो वाजिबी है। बाहर से अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ मेरे नीचे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी है। ये प्लीज़ जो मैसेंजर पर कॉल कर रहे हैं प्लीज़ कॉल ना करें, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे प्लीज़ अपनी बात कहने दीजिए प्लीज़। यस, पुलिस डिपार्टमेंट ने नीचे सिक्योरिटी मुझे दी, वो नीचे बैठी है, ऊपर नहीं आ सकती। और सो मैं अपने घर की बैल्कनी में भी अगर जाती हूँ तो मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं और मुझ तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि तुम्हारी हर हरकत पे नज़र है हमारी, तो तुम चुपचाप घर पर बैठो। और मुझे मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर कितनी प्रेशर है, पॉलिटिकल तो है ही, साथ में मेरे मुझ पर तो है ही, मैं तो हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग भी मुझे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। ये कौन है जो बस करो कह रहे हैं, जिसको तकलीफ़ है प्लीज़ वो लाइफ से निकल सकते हैं। मुझे सजेस्ट करने की कोशिश ना करें कि मैं कौन क्या कर रही हूँ, और मुझे मुझे पॉइंट से ना हटाइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप लोगों के सामने लाइव आने का एक ही रीज़न है कि मुझे अब तक पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा था कि वो मुझे मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या फिर मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब वो अवेलेबल होंगे। पर आज मैं सुबह से कम 3 से 4 बार कंट्रोल रूम में कॉल कर चुकी हूँ, मुझे जो हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रही है। और सुबह से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त मेरा फ़ोन मिला है।
और एक शुभचिंतक मेरी जो क्लोज फ्रेंड है उसकी वजह से मुझे मेरा फ़ोन मिल पाया, जिसकी वजह से मैं लाइव अभी आ पा रही हूँ। सुबह से मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मेरे घर वाले बहुत टेंस थे मुझे लेके, वो मुझे खोना नहीं चाहते। सो मैं सोशल मीडिया के सामने भी आ सकती थी, पर सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पास जो पावर है, आई मीन डिजिटल भारत जो अपना बना है, और अभी ये सोशल मीडिया के पास जो पावर है वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया के पास। सो मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अभी भी पीछे हट नहीं करना चाहती, मैं अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। आज सुबह मुझे अपने हेडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर कचहरी जाना था अपनी बात रखने के लिए, कमिश्नर सर को मिलने के लिए, पर मुझे फैमिली वालों ने नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ और वापस घर पे ना लौट पाऊँ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी वो ना के बराबर थी, पुलिस वालों के यहाँ हाजिर होने के बावजूद मैं बाहर नहीं जा पाई। मुझे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा मैसेज जो है प्लीज़ पीएम साहब तक पहुँचाएँ, अपने राष्ट्रपति साहब से साहब तक पहुँचाएँ, मुझे उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। अगर कभी मतलब मेरे पास मैं क्या बोलूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं तो हुई, साथ में मेरी फैमिली वालों को इतने डेली के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो परेशान किया जा रहा है। मेरी फैमिली, यार ये कौन है जो मैसेंजर पे कॉल कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं मैसेंजर को डिलीट करके आपसे वापस लाइव आ पाऊँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैसेंजर पे कॉल मैसेज करना बंद कीजिए प्लीज़। तो यस, मैं तो परेशान हूँ, मेरी फैमिली वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहती, मैं इस लड़ाई को आगे तक लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी हूँ, अभी भी मैं मुझे आगे जाना है, लेकिन मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हो सके तो कमिश्नर सर, जो हमारे ब्रह्मभट्ट सर हैं, सिर्फ उनसे ही मैं मिलना चाहती हूँ। अगर हो सके तो वहाँ तक बात पहुँचाइए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ पीएम सर से, राष्ट्रपति सर से, डीजी एनसीसी से, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी सर, सभी सर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मीन्स ऐसा नहीं, मुझे मरने से डर नहीं है, मैं अभी मर सकती हूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। अभी अपना जो भारत जो है उसको विश्व में लेके जाना है, विश्व में हमारा जो मीन्स के मोदी साहब ने जो गुजरात की जो एक अलग पहचान भारत में बनाई है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश सेवा करना चाहती हूँ, मैं विश्व में अपने भारत का डंगा बजाना चाहती हूँ। मैं पता नहीं आप मुझे इसका उसको आप मुझे कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस, पर मैं इन शॉर्ट में देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए जीना चाहती हूँ। मुझे जीने से इसको भी ऐसा लगता है कि भाई ये जीने से डर गई है, जो करना था इसने कर लिया, हेल्थ मिनिस्टर के बंदे बेटे से इसने पंगा ले लिया, इसलिए जो डर रही है, भाग रही है। नो, मुझे डर नहीं है, वो तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर साहब के नवाब जादे या उनके सुपुत्र होते तो उनको भी मैं रोक सकती थी। अभी भी मुझे में पावर है, मैं डर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ हेल्प चाहती हूँ, मैं सिर्फ मदद चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे और मुझ पे जो इस वक्त प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मेरी सोसाइटी में बाहर के लोगों को आना अलाउ नहीं है, पर वो लोग इनडायरेक्टली मेरे सोसाइटी के पर्सन्स के साथ कांटेक्ट करके मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे क्या, ये वो सारा कुछ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात आगे तक पहुँचाइए, मुझे मुझे मदद कर पा रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। अगर मैं, यार ये कौन है जो बार बार मैसेंजर पर कॉल कर रहा है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके पास बहुत पावर है। सिंघम मूवी देख के या फिर गंगाजल मूवी देख के मुझ में या मुझ जैसे कोई भी भारतीय या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर में जो देशभक्ति की भावना जगती है वो काबिले तारीफ है, और बहुत कम मूवीज़ ऐसी बनती है जिससे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है मोटिवेशन मिले। तो क्या बोलते कि इतना सब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिफंड में कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो है गंगा जल स्पेशली देखने के बाद, ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगा जल देखने के बाद आई हूँ, और जो गंगा जल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इसी वक्त, इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ, वो रील लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है। वो आईपीएस ऑफिसर थी और मैं एक एलआर ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है, पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया है सेम चीज़ मैं कर रही हूँ। उनको उनको भी उस वक्त बहुत ही तकलीफें सहन करनी पड़ी थी। मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेले कर सकती हूँ बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो करके आई हूँ आपको, आपके पास वीडियो ऑडियो ऑडियो पहुँच गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ किया है, पर मुझे अभी और बहुत कुछ करना है।
जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप जो अपनी आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अभी भी क्लियर कर दूँ, मैं सिर्फ अपना अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी बीजेपी से दुश्मनी लेनी है, ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ़ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ तकलीफ़ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है। वो उस टाइम गुस्सा हो गए, मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सज़ा मिल रही है। जिन उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने जो ऊपरी अधिकारी है उनके उनके जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी, या फिर जो भी कुछ उन्होंने कहा उन्हें माना नहीं, या फिर उनकी जो भी डिमांड थी वो मैंने पूरी नहीं की। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? मेरी गलती क्या है कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती? मेरी गलती क्या है कि मेरे अंदर जो है जो गर्म खून है हमारा, जो मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे अंदर जो एक यदुवंशी का खून है, जो मतलब जो हम मालधारी होते हैं, मैं किसी कम्युनिटी को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन सबको पता है कि मालधारी लोगों को सब ये कहते हैं कि ये माथा भारी है। हम क्या करें, हमारे हमारे हम लोग की कोई गलती नहीं, हमारे अंदर खून ही ऐसा ही है। जो यदुवंशी का हिस्ट्री आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम द्रौपदी की लाज बताई थी, बचाई थी, लेकिन जो उस रात घटना घटी उस दिन मेरी खाकी की लाज उनकी ही एक मतलब वंश की एक लड़की की खाकी की इज्जत लूट रही थी, वो मैं बचा नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं मेरी गलती क्या है, मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। पर जो भी है यार, गलती हुई, जिसको भी मैंने डिसपॉइंटेड किया है, जिसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन सबसे डर के माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ़ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तो वो पुलिस के पास होते हैं आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक LR ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, सूरत गुजरात ही नहीं भारत के पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सबका सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर कुछ लोगों ने मुझे जो है निराश किया है। मैंने कंट्रोल रूम में अभी कॉल किया, मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, प्लीज़ आप घर पे आइए, मुझे हेडक्वार्टर आना है, अपनी बात रखनी है, मुझे सर से मिलना है। तो मुझे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई कि मैं कमिश्नर कचहरी जा सकूँ। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमिश्नर सर तक मुझे श्री ब्रह्मभट्ट सर से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, पुलिस को मतलब कमिश्नर सर तक मुझे मेरी मैसेज पहुँचाइए कि मैं उनसे सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है, जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूं तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं ज़िंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाएँ, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा, ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में, अगर मैं मर गई हो तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।